नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो गया है। आपको याद होगा कि मालदीव्स के नए राष्ट्रपति, जो उनका इलेक्शन कैंपेन था, वो था इंडिया को बाहर भगाओ, इंडिया को आउट करो, और मोहम्मद मोइजू को इसका काफी फायदा भी मिला। इसी तर्ज पर बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी, जो कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट तारिक रहमान ने भी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। रहमान आज एक्टिंग प्रेसिडेंट है बीएनपी का, हालांकि ये पाकिस्तान में नहीं रहता, ये एग्जाइल में रहता है लंदन में। तारिक रहमान शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे और डिक्टेटर राष्ट्रपति जियाउर रहमान का बेटा है। साथ ही यह बांग्लादेश की दो बार की रही प्राइम मिनिस्टर बेगम खालिदा जिया का बेटा है। थोड़ा सा इतिहास में समझते हैं। जब 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो उसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना की थी, पर एक लंबे कार्यकाल के लिए वो रह नहीं पाए थे, क्योंकि उनके ही मिलिट्री डिक्टेटर, जो उस वक्त बांग्लादेशी आर्मी के मिलिट्री चीफ थे, जियाउर रहमान ने उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। उनकी बेटी शेख हसीना बच गई थी, क्योंकि वे उस वक्त भारत में थी। शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल करने के बाद उन्होंने सत्ता हथिया ली और खुद एक तानाशाह राष्ट्रपति बन गया। बीएनपी कट्टरवादी इस्लामिस्ट बांग्लादेशियों की पार्टी है। यह पाकिस्तानी आर्मी के नजदीकी मानी जाती है, और इसने निरंतर कोशिश की है कि भारत के साथ रिश्तों को बेकार करके रखे। दूसरी तरफ जब एक लंबे समय के बाद सत्ता में परिवर्तन होता है और शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जब सत्ता में वापस आती हैं, तो भारत के साथ संबंधों को सुधारती हैं। आज बेगम खालिदा जिया जेल में हैं, उनके ऊपर करप्शन के कई सारे चार्जेस चल रहे हैं। हाल ही में घटे चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को फिर से बहुमत मिला और वे सरकार बना रही हैं, जबकि विपक्षी दल बीएनपी को केवल 5 सीटें मिली हैं। इसी कारण से उसने अपने चुनाव का और राजनीतिक एजेंडा बदला है और भारत के खिलाफ अब जहर उगलना चालू कर दिया है। मालदीव्स में मोहम्मद मोइजू की सक्सेस को देख कर तारिक रहमान इंडिया के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर रहा है। उसने ट्विटर में कई बार पोस्ट भी किया कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए और जितना हो सके भारत के साथ संबंधों को घटाइए। चाइना के ये बहुत पक्ष में रहता है और अब पाकिस्तान के भी। हालांकि बस बात यह है कि ये धूमिल करने की बात है, जहां 2026 में बांग्लादेश एक डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और यह सब तभी हो पाया है क्योंकि बांग्लादेश और भारत के संबंध, जो व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, काफ़ी अच्छे हैं। आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है। जब भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, तो हमें ट्रेड बेनिफिट होता है, हमारे पास सरप्लस रहता है। यूं तो भारत और बांग्लादेशियों के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशियों के मन में भारत के प्रति बहुत सकारात्मकता है। हाल ही में वर्ल्ड कप के दौरान जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, तो ढेर सारे बांग्लादेशी सेलिब्रेट कर रहे थे, सड़कों पर निकल के आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में नारे लगा रहे थे। तो आम बांग्लादेशियों के मन में भले नफरत ना हो भारत के प्रति, लेकिन हल्की नकारात्मकता है। इसका कारण है मेक्सिको सिंड्रोम। आप उत्तरी अमेरिका को जब देखते होंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा जाइंट बैठा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके नीचे ही मेक्सिको है। हालांकि मेक्सिको कोई छोटा देश नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है, आबादी के दौर पर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब कभी आप मेक्सिको को देखते हैं, तो वह धूमिल हो जाता है, छाया में आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और यही कई बार फेस करना पड़ता है बांग्लादेशियों को भी। अगर एक आम आदमी कोई दूसरा देखे, तो भारतीय और बांग्लादेशियों में बहुत अंतर नहीं दिखता, क्योंकि उनकी एथनीसिटी भी बंगाली होती है, तो हमारे वेस्ट बंगाल के जैसे ही बांग्लादेश के लोग भी होते हैं। इंडिया जैसे बड़े जायंट के बगल से होने के कारण बांग्लादेश को भी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस लगती है। आम बांग्लादेशी को कई बार इंडियन के तौर पर ही देखा जाता है। इन्हीं कारणों से उनके मन में हल्का सा नेगेटिव प्रभाव भी आता है, और कई वैश्विक मंचों पर उन्हें भारत का साथी या भारत का छोटा भाई देखा या समझा जाता है। यही मेक्सिको सिंड्रोम कहलाता है। इसी कारण से आम बांग्लादेशियों में कई बार आपको हल्की नकारात्मकता भारतीयों के प्रति दिख जाएगी। एक छोटी सी बात और, होता क्या, जब एक मैच्योर डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया होती है, नेता कुछ भी कहें, वे करते वही हैं जो देश के लिए अच्छा होता है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। लेकिन जब कभी आप इमैच्योर डेमोक्रेसी या छोटी डेमोक्रेसीज में देखते हैं, जैसे कि बांग्लादेश की हो गई या मालदीव्स की हो गई, वहाँ पे नेताओं को वही कार्य करना पड़ता है जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा था। जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारतीयों को बाहर करेंगे, भारतीय सेना को बाहर करेंगे, तो अब वो उस तरीके के एक्शंस ले रही है। उन्होंने 15 मार्च का अल्टीमेटम भी दिया है। यही बांग्लादेश के साथ में, अगर बीएनपी आज इंडिया के अगेंस्ट बात कर रही है, जो ये पहले भी करती थी, और इंडिया के संबंध अच्छे नहीं रहते जब कभी बीएनपी पावर में रहती है, तो
तो हालांकि इंडिया से संबंध बिगाड़ना बांग्लादेश के लिए घाटे का सौदा है, पर फिर भी क्योंकि ये इमैच्योर डेमोक्रेसी के निशान हैं, वहां पे ऐसा होगा। अब आगे देखना यह है कि क्या बांग्लादेशी तारिक रहमान के इस नए जुमले में फंसते हैं या फिर वो बांग्लादेश को अग्रिम बनाने के लिए भारत के साथ मधुर संबंध बनाकर रखते हैं। आपके क्या विचार है हमें कमेंट्स में लिखें, साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।